हेलो आल पे पोचिंग की आ जाओ, हंगरी बोल रहा हूँ। अबे लौड़े, मैं हूँ हंगरी पोसड़ी के। हंगरी है, हंगरी बटाटा पोसड़ी के। एक्सीलेंट वर्क। पोसड़ी के मैं हूँ हंगरी लौड़ा सारा। मेरा नाम मीम, नाम का गलत बोल रहा है मैं। हंगरी तुम्हारा बाप है, पोचिंग की आ रहा है, आ जाओ। बताओ भाई लोग कैसे हो। मैं गुरु आ गया हूँ एक नए गेम प्ले के साथ। और यहाँ पे देखो यार, ये टॉप पे यार एक बंदे का नाम आया है हंगरी, ठीक है। तो यार मैं यूं ही यार भाई किसी का भी नाम लेकर ना ऐसे ही मैं मज़े ले रहा था ऑल पे। मेरा नाम हंगरी है भाई, पोचिंग के आ जाओ। मैं ऐसे ही यार चैलेंज दे दिया, ठीक है। तो वो रियल हंगरी ऑल पे आता है, वो कहता है भाई मेरा नाम हंगरी है, भाई मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। वैसे वो स्टार्टिंग काफ़ी फनी लगा मुझे, तो यार इसलिए मैं उसको ऐड किया। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट में बताना, बाकी लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और वो जो हंगरी नाम का बंदा है ना भाई, वो यार यहाँ पे चैलेंज दिया है पोचिंग के आने के लिए। तो चलो भाई पोचिंग ही अपन जंप करें हैं। और यहाँ भाई चारों तरफ देखो यार, बंदे ही बंदे पोचिंग के अंदर, हर एक घर बिल्कुल बुक हो रखा है। और हमको यार छोटा सा यहाँ पे घर मिला है, तो चलो यहाँ जंप करते हैं। और इसके बाजू में भी भाई एक बंदा जंप कर जाता है। सामने वाले घर में मैंने एक बंदा नॉक कर दिया विंडो से ही। और भाई यहां ना दोनों ही टीममेट मेरे नॉक हैं फिलहाल। उधर एक और बंदा है, और जिसके ऊपर ये मैं पुश करने जा रहा था भाई, वो इसलिए क्योंकि भाई मैं ये नहीं चाह रहा था कि मेरे टीममेटों को ये खा जाए। इसकी वजह से यार मैं उसके ऊपर डायरेक्ट बिना देखे बिना सोचे समझे पुश कर जाता हूँ, और वो तो फिलहाल यार मैं नॉक होता हूँ। तो चलो मेरा टीममेट एक बचा हुआ था जो यार हमको आकर इधर यार रिवाइव दे देता है उनको मार के। वैसे गाइस यहाँ पे ये वाला गेम प्ले ना मैं आपको एंड तक देखने को बोलूँगा, वो इसलिए क्योंकि भाई एंडिंग काफ़ी मस्त है। यहाँ पे गाइस वो एंड में ना हंगरी नाम का बंदा है ना, उससे फाइट होगी। और भाई आगे का मैं कुछ बताने नहीं वाला हूँ, वो आप खुद देखिएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं अगर बताऊँगा तो मज़ा क्या आएगा भाई, ठीक है ना। तो आप पूरा ही एंड तक देखो गेम प्ले को। और यहाँ गाइस मैं आपको बता दूँ, पोचिंग की में तो आने के लिए बोला था वो हंगरी नाम का बंदा, बट पोचिंग की में यार यहाँ पे अभी तक तो मेरे को नहीं मिला। चलो देखते हैं, आगे निकलते हैं। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास हेल्थ नहीं है, तो अभी मैं अपने अब टीममेट से हेल्थ वगैरह लेता हूँ, लगाता हूँ, फिर भाई आगे और भी बंदे हैं पोचिंग की के अंदर, उनसे फाइट लेते हैं। हेल्थ वगैरह करते ही मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ, और भाई सामने वाले घर से मुझे फूड स्टैंड आ रहा था, तो उसके लिए मॉली करता हूँ। मॉली जैसे ही करता हूँ तो भाई पीछे से एक बंदे ने तो भाई इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया ना, मैं क्या ही बताऊँ। वो तो फिलहाल मैं यहाँ बच गया, और भाई मेरे टीममेट भी काफ़ी दूर थे, और यहाँ नॉक होता तो शायद यहाँ पे बच सकता था मैं, क्योंकि भाई वो लोग ना आते ही डायरेक्ट फिनिश करते हैं। और भाई ये लॉबी नॉर्मल नहीं है भाई, इस मास्टर की लॉबी है, तो समझ सकते हो तुम लोग। और यहाँ ना अभी यार मैं हेल्थ वगैरह जैसे ही कंप्लीट कर लेता हूँ ना, वैसे ही अभी एक बंदा पुश करेगा मेरे पे। खेलने पे ध्यान दे भाई, रिवेंज जीवन की चक्कर। यहाँ शायद इस वाले बंदे को यार ये नहीं पता होगा कि यार मैं इस वाले घर पे हूँ, क्योंकि भाई अंधाधुंध घुस रहा था। फिलहाल उसका टीममेट भी है सामने वाले घर पे, ये बिल्कुल तो यहाँ पे इसके नाम पे नज़र डालो RZX, और आप लोगों ने प्लेन पे भी नाम देखा होगा RZX हंगरी। तो यहाँ पे उसका टीममेट था ये। चलो भाई उसके टीममेट को तो मार डाला, अब बारी है हंगरी की। शायद ये हंगरी ही हो सकता है सामने वाले घर पे।
तो चलो भाई देखते हैं, पुश करते हैं इस बंदे को ऊपर। और भाई यहाँ पे ना लिटरली ये बंदा ऊपर जाके सीढ़ियों पे बैठ गया है। तो अब यहाँ पे मैं यार क्या बोलूँ, मेरे पास नेड नहीं था कि इसके ऊपर नेड डाल के फोड़ दूँ इसको। और यहाँ पे अगर मेरे पास मौली भी होती ना तो उसको डरा के नीचे बुला सकता था, तो मेरे पास वो भी नहीं था यार। और मेरे टीममेट भाई इतने दूर यहाँ भी नहीं आ सकते हैं। और भाई अभी देखो ये बंदा खोपड़ी दिखाएगा। और भाई इतने में ही पता नहीं ये नेट कहाँ से है, शायद ऊपर से ही इसने डाला होगा। और ये नेट फटते ही भाई अभी मेरा सब्र का बाण भाई टूट जाता है। अब मेरे को आता है गुस्सा और डायरेक्ट अब भाई मैं नहीं सहने वाला भाई। अब देखो भाई इसके ऊपर पुश करते हैं। अब इस बंदे को नॉक करते ही मैं थोड़े बहुत इससे मजे लेता हूँ, मुझे लगा ये हंगरी होगा बट वो नहीं था। और यहाँ पे ये शायद कुछ बोलता है भाई। यार यहाँ पे इस बंदे ने क्या बोला वो तो मेरे को समझ में नहीं आया। वैसे आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताना यार। वहां से लूट वगैरह लेकर भाई मैं इस वाली जगह पे पहुंचता हूँ। और यहाँ जब मैं पहुंचता हूँ ना तो भाई मेरे साथ जो गलत सीन होगा वो देखो। भाई 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 मैं इस बंदे के बारे में क्या बोलूँ भाई, इस बंदे ने लिटरली मुझे फुट साउंड तक नहीं दिए, कुछ आवाज़ तक नहीं करी। और मैं भाई मैं देख रहा था ना तो वो सामने वाले घर पे देख रहा था उसको, क्योंकि उस तरफ मुझे एक बंदा दिखा था। और भाई सही बोलूँ ना तो इन बंदों के बारे में भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई ये जो कैंपर्स होते हैं वो सप्रेसर लगा के ना भाई एक जगह पे बैठ जाते हैं भाई कसम से। आजकल तो ये यूएमपी वगैरह बिल्कुल ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि भाई यूएमपी है ही ऐसी गन ना, क्या कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे वापस से मैं पोचिंग की में ही उतर जाता हूँ। और यहाँ पे भाई उतरते एक बंदा भी मैं पेल देता हूँ। भाई यहाँ पे उतर तो गया हूँ यार, सबसे पहले मैं थोड़ी लूट वगैरह ले लूँ, क्योंकि भाई मेरी लूट पूरी उस बंदे ने ही उड़ा डाली भाई पेटी बनाकर। तो अभी चलो पहले लूट वगैरह लेते हैं। और भाई आगे बंदे हैं मेरे टीममेटों के पास, उनके पास चलेंगे। भाई यहाँ पे मैं आया था इस वाले पेटी को लूटने के लिए, और लूटते लूटते भाई मुझे आता है एक सामने से फुट साउंड। Awesome. सुन रहे हो भाई यहाँ पे मेरा टीममेट क्या कह रहा है। दो बंदे चढ़ के आए ऊपर की ओर भाई, कहता है कि भाई मैंने डैमेज दिया भाई दोनों को, क्रेडिट दे क्रेडिट दे। भाई जान बच गई ना उतने में ही खुश रहे भाई, क्रेडिट क्रेडिट। साले रिवाइव भी नहीं देता उसको, क्रेडिट चाहिए इसको। हुआ क्या ब्रो, उसका ध्यान मेरे पे था वरना उसे भी मारते दोनों। अगर ना हो मैं तेरा से कवर दे रहा था, वीडियो में मेरा नाम आना चाहिए, अगर तुमको नहीं पता। नहीं नहीं तेरा कवर दिखा नहीं हमको, दिखना चाहिए भाई, दिखा नहीं। लो भाई एक और बंदा आ गया क्रेडिट लेने के लिए, क्रेडिट चाहिए भाई सभी को यार। बोलता है भाई मैं कवर दिया तेरे को, कौन सा कवर दिया भाई, नीचे की ओर तो थे भाई, ऊपर तो आए भी नहीं कवर देने के लिए। वाह चलो सामने अभी भाई ड्रॉप वगैरह आया हुआ था, तो अभी भाई मेरे मन में लालच सी उठी, तो पहले तो भाई चलते हैं ड्रॉप की ओर। और उधर से उठाते हैं भाई एक मस्त अच्छी सी एक गन, MG3 या फिर ग्रोजा मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो यार ड्रॉप पे चलते हैं, फिर आगे भी बढ़ेंगे भाई, बंदे तो भाई कूटने बाकी हैं अभी भी। भाई ड्रॉप लूटने तो मैं आया था, लेकिन भाई ड्रॉप मेरे पूरे टीममेट ने उठा लिया भाई, मेरे को भाई वेस्ट और हेलमेट तक नसीब नहीं हुआ लिटरली। और वहाँ से भाई आते ही भाई डायरेक्ट पोचिंग की में एंटर करते हैं वापस। और इधर की ओर भाई बंदे हैं कुछ, marked a location. खैर इन दोनों बंदों को तो भाई बिल्कुल आसानी से मैंने निपटा डाला। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब भी हम लोग कोई हॉट ड्रॉप
एरिया क्लियर करते हैं, और भाई हॉट ड्रॉप एरिया क्लियर करने के बाद अपन निकल जाते हैं उधर से, और दो मिनट बाद वापस से घूम कर आते हैं, तो भाई बंदे भाई कहाँ से, मतलब कौन से कोने से निकल के आते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। और यही हुआ भाई अभी, ये दो बंदे पता नहीं कहाँ से निकल के आए, हम भी तो भाई यहीं पे ही बंदे मार के लूट वगैरह किए, फिर वापस अपन ड्रॉप के पास गए, ड्रॉप लूट कर इधर आए, ये बंदे पता नहीं कहाँ से ही आ गए। हम लोग भाई यूं ही बंदों की तलाश में निकले हुए थे कि भाई सामने मेरे टीममेट के ऊपर कुछ बंदे रस कर दिए हैं, और भाई एक बंदा तो हमारा बिल्कुल शहीद हो चुका है, और सामने अभी भाई चलते हैं इनके ऊपर और भाई मारते हैं। ओ भाई यहाँ पे ना यार आते ही दो बंदे तो चलो मैंने नॉक कर दिए, तो बाकी जो लास्ट का बंदा था ना तीसरा वाला, अब यहाँ पे ना यार मैं नॉक हुआ इसलिए क्योंकि मेरी जो AKM है भाई वो रिलोड नहीं थी, दो बंदे भाई एक ही रिलोड में ले गया, बाकी तीसरा लेने ही जा रहा था कि भाई मैं नॉक हो जाता हूँ। फिलहाल जो भी हो इधर का मामला पूरा ही हमने निपटा दिया है, और भाई अभी ना फाइनली ड्रॉप वेपन भी मिल जाती है MG3। उस टाइम तो मेरे को भाई ड्रॉप वेपन नहीं मिल पाया था क्योंकि मेरे टीममेट ने उठा लिया था भाई, उठा के भाग गया था बिल्कुल। और चलो अभी तो मिल गया है MG3, और निकलते हैं भाई MG3 लेकर बंदों की तलाश में, और भाई इस MG3 से भाई बंदे पेलते हैं क्या भाई, बंदा पेलूंगा क्योंकि भाई बंदे मतलब बहुत सारे बंदे, बंदा मतलब खाली एक दो बंदा है ना। तो यहाँ पे भाई देखो आगे चल के कांड भी होगा, और समझ गए होंगे जो बंदे यार कांड का मतलब क्या होता है ना। और यहाँ पे बात जो मैंने बोली थी एंड तक वीडियो को देखना, काफ़ी मज़ा आएगा एंड में, क्योंकि भाई एंड में कुछ हो ही ऐसा गया था कि अभी हंगरी से भी फ़ाइट होगी, और उस फाइट में भाई क्या होता है कि मैं पूरा ही फिनिश हो जाता हूँ, ठीक है। उस हंगरी ने ही मेरे को फिनिश किया था, और जो मेरा बाबू भैया एक टीममेट है उसको भी पूरा फिनिश डालता है, क्योंकि हम दोनों के पास भाई अपग्रेडेबल स्किन है, तो वो मार के काफ़ी खुश होता है, ठीक है। तो आप आगे देखना क्या होता है। उससे पहले भाई यहाँ पे अपन आते हैं जॉर्ज पुल पे, और यहाँ कुछ बंदे हैं भाई सामने की ओर, मेरे पे एक था। और भाई यहाँ पे एक बंदा तो मैंने यार MG3 से नॉक कर दिया था, बाकी जो दूसरा बंदा है ना भाई वो तो मुझे दिखा तक नहीं था कि भाई मैं नॉक हो गया, लिटरली क्या ही बोलूं। और भाई क्लोज में तो मेरा भाई 4x ओपन हो गया, मैं क्या ही कहूँ उसके बारे में, काफ़ी गंदी बात है वो तो। फिलहाल यहाँ पे उसका भी एक टीममेट नॉक है, मैं भी यहाँ पे नॉक हूँ, वो भी रिवाइव दे रहा है, मेरा टीममेट भी मुझे रिवाइव दे रहा है, तो रिवाइव होते हैं वापस से उनसे फाइट लेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे का भी पूरा सीन खत्म, यहाँ पे एक बंदा ही कुल मिलाकर मेरे से मरा है, और बाकी यहाँ पे जो दूसरा बंदा था भाई उसके ऊपर मैं एम करता ही हूँ कि मेरी जो MG3 है वो भी रीलोड पे आ जाती है। फिलहाल जो भी हो चलो 14 किल यहाँ पे मेरे हो चुके हैं, और भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली वीडियो पूरी एंड तक देखना, तो यहाँ पे लो अभी एंडिंग बिल्कुल आ चुकी है, तो सीन मैं आपको अभी से ही समझा देता हूँ चलो। और यहाँ पे सीन ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया बाबू भैया और मैं दोनों के पास हमारे पास अपग्रेडेबल स्किन है, और एक तो मैंने जोनाथन नाम रखा हुआ है, तो वो जो हंगरी नाम का बंदा था भाई हम दोनों को मार के बड़ा खुश होता है, ठीक है, और ऑल पे भाई गाली देता है। तो उस बंदे को मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ ब्रो कि हम दोनों को तुमने मारा है, तो वो बंदा भी भाई फिर जो है ना क्या बोलता है वो सुनना ज़रूर से। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं भाई इस वाली जगह पे हम जैसे ही पहुँचते हैं तो सामने कुछ दो बंदे हैं, तो इनको पहले तो निपटाएंगे। Awesome. मारो क्यों मत मारो भाई,
अब यहाँ पे भाई ये जो बंदा है ना भाई जिसको मैंने नॉक किया था वो बिग फैन कर रहा था, शायद वो मुझे रियल जोनाथन समझ रखा होगा। अब यहाँ पे गाइस काफ़ी लोग पूछेंगे यार जोनाथन नेम तूने अभी तक क्यों चेंज नहीं करा है यार, चेंज भी कर ले। तो देखो यार मेरे अकाउंट में एक्चुअली में यूसी नहीं डल पा रही, आपको पता है BGMI बैन है और यूसी भी बिल्कुल नहीं डल सकती है, कुछ नहीं हो सकता है अभी तो फिलहाल, जब तक BGMI अनबैन नहीं हो जाता है, प्ले स्टोर पर नहीं आ जाता है तब तक मैं नाम नहीं चेंज कर सकता हूँ यार। तो इसके लिए रियली सॉरी यार, मैं क्या ही करूँ। फिलहाल यहाँ पे अभी चलो एंडिंग देखो। तो भाई ये था देखो हंगरी। और यहाँ पे मेरी भी एक गलती है कि मैं यार पता नहीं क्यों यार क्लोज में यार 4x लगा के रखा हूँ, वो भी यार M4 के अंदर, क्या बोलूँ। यहाँ पे मेरे पास MG3 होते हुए भी मैंने क्लोज में MG3 नहीं पकड़ी। जो भी हो फिलहाल यहाँ पे उस हंगरी को मेरा टीममेट ले जाता है और यहाँ पे यार मेरा टीममेट मुझे बचाने की भी कोशिश करता है पर मैं बच नहीं पाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो हंगरी की जो पूरी टीम थी वो तो यहाँ पे जो मेरा टीममेट है वो पूरा ही ले जाएगा। लो भाई ऑल डेट। अब ऑल पे सुनो, ओए जोनाथन मार दिया मैंने, जितना पांच के पास स्मोक थे जितने मार सकते थे पूरे मारा हूं, स्मोक मार के उसको मार ही नहीं रहा। ओ लौड़े जोनाथन पहले उठा लूं, चूतिया है साला गाड़ी को कर दिया लौड़ी। अबे यार हरचीत लो जोनाथन भाई, गाड़ी नहीं यार, गाड़ी नहीं भाई, बस भाई हम तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे, तुमने भेज पूरी लॉबी की मां चोद दी। अब भाई यहाँ पे पहले इसने मेरे को गाली दी ऑल पे, तो मैंने इसको कहा कि भाई वेल प्लेड, तुमने अच्छा खेला, अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हें। तो ये बंदा भी मेरे से बाद में अच्छे से बात किया, इसने भाई बोला कि भाई तुमने भाई लॉबी की गान फाड़ दी पूरी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो भी हो ये बंदा मेरे को अच्छे से बात किया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं वीडियो को डाल रहा हूँ। नहीं तो गाइस काफ़ी सारे यूट्यूबर होते हैं जो यार मतलब जो अच्छी वीडियो बनी हो तभी जाके पोस्ट करते हैं, वरना जिसमें वो मार खा जाते हैं तो वो पोस्ट नहीं करते हैं। तो भाई मैं अभी देखो इस वाले वीडियो में मरा इससे, तो मैंने फिर भी पोस्ट करा क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि यार वो बंदा कुछ तो सीखा, क्योंकि भाई वो मेरे को गाली दे रहा था, मैंने उसको अच्छे से उसका अप्रिशिएट किया, उसको बोला भाई तूने अच्छा खेला, तब जाके उसने भी मेरे से अच्छे से बात करी, तब जाके मैं ये वीडियो को डाला। अगर वो अच्छे से बात नहीं करता तो मैं वीडियो को नहीं डालता बिल्कुल भी। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी आप प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियो को, अच्छा लगता है यार। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट और एक अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। बाकी ये वाला गेम चिकन हो जाता है, मेरा टीममेट पूरा चिकन ले लेता है। और यहाँ पे टोटल किल भाई अगर मैं बात करूँ हमारे पूरी टीम की तो 42 किल्स होते हैं भाई। We are number one.